हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में हमको फ्राइडे को एक बेहतरीन रैली देखने को मिली है। सेल के नतीजे आए थे और नतीजों के कारण देखिए पूरे मेटल पैक के अंदर एक बड़ी तेज़ी हमको बनती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको मेटल स्टॉक्स अब आपको फिर से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्या मेटल स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अगले हफ्ते के देखिए टारगेट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली चार स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, सेल, टाटा स्टील, बीएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड नालको के ऊपर। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इनके लक बताऊंगा आपको कल के, तो आप वीडियो को एंड तक, और चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा यहाँ पे सेल, क्योंकि बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है नंबर्स आने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम सेल के स्टॉक पे जाते हैं। तो देखिए, सेल ने यहाँ पे फ्राइडे को 135 रुपये पे क्लोजिंग दी है, करीबन 6.50 रुपये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 5% तक की बड़ी तेज़ी देखिए सेल ने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। अब सेल दोस्तों जो तेज़ी दिखाया वो डेफिनेटली रिजल्ट बेसिस पे तो आया है, लेकिन अब स्टॉक ने एक बड़ी रैली फिर से दिखाने का पोटेंशियल दिखना वो मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक ने अपना एक सबसे बड़ा हर्डल पार कर दिया है। स्टॉक ने 132 रुपये के लेवल को यहाँ पे पार कर दिया। अब देखिए क्यों 132 रुपये बहुत ज़रूरी था ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए क्या हुआ था, खुलते टाइम तो स्टॉक यहाँ पे आपको गैप अप खुला, लेकिन जैसे वो 132 के जोन के आसपास आया, देखिए प्रॉफिट बुकिंग बनी, स्टॉक नीचे गया, लेकिन धीरे धीरे करके उस लेवल के आसपास आता वक्त आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक हर बार आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, 132 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने अटैम्प्ट माना, सेकंड टाइम इधर, थर्ड टाइम इधर, तीन अटैम्प्ट के बाद आप देखिए स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिए। तो आप समझ के चलिए कि स्टॉक के अंदर जो बेहतरीन हमको क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए थी वो देखने को मिल चुकी है, और एक अब बड़ा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है सेल के अंदर। देखिए, सेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्टॉक आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन स्टॉक में पिछला एक महीना कह सकते हैं काफ़ी ख़राब रहा। 120 रुपये के सपोर्ट के आसपास स्टॉक रहता हुआ देखने को मिला, करीबन 5% तक की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब फिर से देखिए स्टॉक के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 136 का एक ब्रेकआउट है, जो लास्ट टाइम देखिए स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया था, तो अगर हम देखें वहाँ से स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग बनी थी, तो अब जो जोन के आसपास आ चुका है स्टॉक, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा, यानी 136 के लेवल को ब्रेक कर देगा, तो आप समझ के चलिए एक ब्रेकआउट कन्फर्म है, एंड देन यहाँ पे स्टॉक के अंदर आपको नया 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, जिनको पता नहीं है 52 वीक हाई क्या है स्टॉक का, 52 वीक हाई दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 151 रुपये 30 पैसे का। तो 151 रुपये 30 पैसे यहाँ पे डेफिनेटली 52 वीक हाई है, लेकिन अब स्टॉक फिर से एक बेहतरीन तेज़ी करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो जोन के आसपास आ चुका है वो डेफिनेटली एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर 136 का लेवल टूटता है, यानी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है हमको, तो आप समझ के चलिए कि एक स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेज़ी मोमेंटम बनेगा, और स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट कन्फर्म करेगा, जो करीबन 145 से 150 रुपये की रेंज में आपको स्टॉक को लेकर जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा स्टॉक के अंदर, लोअर लेवल्स पे बाय करने की कोशिश की, आप देखिए वापस से स्टॉक चला है। पिछले 5 दिन की बात करूँ तो देखिए स्टॉक यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है करीबन 10% तक। तो देखिए डेफिनेटली मोमेंटम काफ़ी बढ़िया बना है, और अब यहाँ से देखिए स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी की एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे देखिए अगले हफ्ते के लिए, बिकॉज स्टॉक में अब अपना जोन को ये तोड़ने वाला है, जो जोन सबसे ज़रूरी है, और हर्डल 136 का जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। और मेटल स्टॉक्स में देखिए जितनी गिरावट होनी थी मुझे लगता है हो चुकी, अब मेटल स्टॉक्स फिर से देखिए आपको चलते हुए देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते की। देखिए, मेरी थीम मेटल स्टॉक्स पर ही ज़्यादा रहेगी, मेरी पिक भी देखिए मेटल स्टॉक्स ही है, मेटल और सीमेंट काउंटर। देखिए, ये दो ऐसे काउंटर है जो आपको अगले हफ्ते बेहतरीन करते हुए देखने को मिलेंगे। मेटल और आप मेटल सेक्टर में जाइए, या फिर आप सीमेंट स्टॉक्स को बाय करने की सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बेहतरीन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेल देखिए मेरी पहली पिक है, तो आपको सेल के लिए करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करंट लेवल के आसपास बाय करके चलिए सेल को। टारगेट रखिए यहाँ पे पूरे अगले हफ्ते के, पूरे अगले हफ्ते के मुझे लगता है कि 155 रुपीज़ तक स्टॉक जा सकता है, ये पूरे हफ्ते का टारगेट बता रहा हूँ आपको। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको, वो करके चलना है करीबन यहाँ से 125 रुपये का, 10 रुपये नीचे, और यहाँ पे होल्ड करना है। अब अगर मंडे की बात करूँ तो देखिए मंडे को भी बेहतरीन तेज़ी बन सकती है, CMP पे बाय करने की राय होगी। टारगेट रखना है दोस्तों आपको यहाँ पे मंडे का 139 रुपीज़ तक का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे, आपको मेंटेन करके चलना है करीबन 2 रुपये नीचे, 132 रुपये का। तो 132 का SL, 139 रुपीज़ तक का लक्ष्य, CMP पे खरीदारी करने की राय होगी। तो दोस्तों, ये बात की हमने सेल की, अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील BSL के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, टाटा स्टील BSL ने भी बेहतरीन तेज़ी दिखाई, 97.55 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, करीबन 5.25 रुपये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 5.69% आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। तो देखिए, पूरा मेटल इंडेक्स काफ़ी बढ़िया कर रहा था, और टाटा स्टील BSL डेफिनेटली देखिए यहाँ पे फिर से मोमेंटम बिल्ड होता हुआ हमको देखने को मिला है। अगर पिछले हफ्ते की बात करूँ टाटा स्टील BSL के लिए, तो पिछला हफ्ता स्टॉक के लिए कह सकते हैं कि इतना कोई अच्छा रहता हुआ देखने को नहीं मिला, भले आपको यहाँ पे 3% की तेज़ी है,
लेकिन स्टॉक में एक बॉटम बनता हुआ देखने को मिला मुझे करीबन 90 रुपये के नीचे का, 89 रुपीज़ तक का। और स्टॉक ने देखिए उस रेंज से फिर से एक तेज़ी दिखाने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि तेज़ी पूरे मेटल इंडेक्स के अंदर आई, तो इसके कारण भी यहाँ पे भी आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा स्टील BSL के अंदर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल चुका है। आपको देखने को मिला एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, फिर आप देखिए स्टॉक के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब स्टॉक ने अपना एक बॉटम बना लिया करीबन 90 रुपये, 89 रुपीज़ तक का। और अब यहाँ से वापस से देखिए स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि एक अपमूव चालू होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक में सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये लग रही है कि स्टॉक 90 रुपये, 89 रुपीज़ को तोड़ नहीं रहा है। आप देखिए अगर अपने सपोर्ट को ये कोई भी स्टॉक मेंटेन करके चलेगा तो आप समझ के चलिए कि एक बेहतरीन तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है, और जो करेक्शन आता है वो सब कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और 90 रुपीज़, 89 रुपीज़ स्टॉक के लिए इतना बढ़िया रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो मैं कह सकता हूँ कि सपोर्ट बहुत ही बढ़िया देखिए इसको बाइंग एक्शन लाता है, एंड देन स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। अब फ्राइडे का अगर हम चार्ट देखें तो फ्राइडे का हमको देखने को मिला स्टॉक के अंदर, फ्राइडे को भी कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन अचानक से देखिए एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो स्टॉक को आपको करीबन दिन के हाई जोन के आसपास क्लोजिंग देखे गया। तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि बेहतरीन तेज़ी बन सकती है और यहाँ पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। आपको देखने को मिला 97.95 का देखिए दिन की हाई रेंज थी, उसके आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय होगी, खरीदारी करके चलना होगा यहाँ पे आपको। और स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी बन सकती है अगले हफ्ते, करंट लेवल के आसपास खरीदारी की राय, 110 रुपये तक के पूरे हफ्ते के लक्ष्य होंगे मेरे। स्टॉप लॉस 200 मेंटेन करके चलना है आपको, करीबन 90 रुपीज़ तक का करके चलना है। अगर मंडे की बात करूँ तो मंडे को मुझे लगता है कि स्टॉक में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, CMP पे बाय करने की राय होगी। टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको करीबन 102 रुपीज़ तक का, स्टॉप लॉस दोस्तों मेंटेन करना है यहाँ पे आपको करीबन 95 रुपीज़ का। तो ये बात होगी दोस्तों टाटा स्टील BSL की। अब बात करते हैं नैलको के ऊपर। तो देखिए नैलको ने यहाँ पे 72.15 पे क्लोजिंग दी है, करीबन 95 पैसे आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फ्राइडे के सेशन में 1.33% यहाँ पे स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला। नैलको की बात करें तो देखिए नैलको में अभी तक ऐसा कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, या इसमें भी देखिए स्टॉक के अंदर तेज़ी डेफिनेटली हमको देखने को मिली थी, लेकिन तेज़ी इतनी ज़्यादा सस्टेन नहीं थी। शुरुआत में देखिए 73 के जोन तक स्टॉक गया था, उसके बाद आपको देखने को मिला गिरावट आई, देन वापस स्टॉक यहाँ पे ऊपर आता हुआ देखने को मिला। लेकिन नैलको ने देखिए परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे फ्राइडे को, अगर हम बाकी सब मेटल स्टॉक से यहाँ पे कंपेयर करें तो स्टॉक ने जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है 75 रुपये। 75 रुपये देखिए एक ऐसा लेवल है जिसको स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ब्रेक करता है तो सस्टेन नहीं हो पाता है, तो यही हमको देखने को मिल रहा है। और नैलको में देखिए तेज़ी होगी जब जब ये स्टॉक करीबन 76 रुपीज़ के ऊपर हमको क्लोजिंग देगा और सस्टेन क्लोजिंग देगा। सस्टेन क्लोजिंग मतलब दोस्तों करीबन यहाँ से 2 से 3 दिन यहाँ पे आपको करीबन स्टॉक आपको ऊपर रहता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 76 के जोन को काटना नहीं चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पर 76 के ऊपर हमको देखने को मिलने चाहिए। तो यही दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत अभी नैलको के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी के देखिए अभी तक Q4 के नतीजे निकल के नहीं आए और कंपनी की तरफ से अभी तक कोई डेट भी देखिए फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन नैलको मुझे लगता है कि डेफिनेटली बढ़िया कर सकता है अगर थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हैं तो। इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है कि ये बढ़िया तेज़ी करके दिखाई है, पिछला एक साल कह सकते हैं नैलको के लिए काफ़ी बढ़िया रहा, करीबन 130% तक की रिटर्न स्टॉक ने देखिए यहाँ पे 80 रुपये तक का अपना 52 वीक हाई बनाता हुआ आपको देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि नैलको में बिल्कुल खरीदारी करने की राय होगी, स्टॉक में कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, CMP पे बाय करके चलना है। अगले हफ्ते के टारगेट रखने हैं यहाँ पे करीबन 80 रुपीज़ तक के, स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको नैलको के अंदर, करीबन नैलको के अंदर करके चलना है वो होगा 68 रुपीज़ का। अगर मंडे की बात करूँ तो मंडे को मुझे लगता है कि नैलको बढ़िया कर सकता है क्योंकि इसमें आपको अभी तक एक रनर अप देखने को नहीं मिला है। तो टारगेट रखना है आपको यहाँ पे मंडे का 75 रुपीज़ तक का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ से 2 रुपये नीचे करीबन 70 रुपीज़ का। दोस्तों ये बात हो गई नैलको की। अब बात करते हैं JSW स्टील के ऊपर। तो देखिए JSW स्टील ने यहाँ पे फ्राइडे को 731 पे क्लोजिंग दी है, करीबन 25 रुपये 40 पैसे हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 3.60% आपको यहाँ पे JSW स्टील के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अब JSW स्टील ने देखिए जो तेज़ी दिखा रहा है और 730 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग जो मुझे देखने को मिली है, स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी दोस्तों ये आपको करता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको फ्राइडे को देखने को मिलता है स्टॉक अपने दिन के हाईएस्ट रेंज के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, जैसा टाटा स्टील BSL का पैटर्न है सेम टू सेम देखिए यहाँ पे मुझे JSW स्टील का भी देखने को मिल रहा है। और वापस से यहाँ पे JSW स्टील के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए JSW स्टील के जो नतीजे देखने को मिले थे वो ऑल टाइम हाईज देखे नतीजे थे, और स्टॉक अब आपको अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है जो 773 है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते यहाँ पे स्टॉक में बढ़िया तेज़ी देखने को मिले। स्टॉक के लिए एक हर्डल है 745 रुपये का, अगर इस 745 के हर्डल को क्रॉस कर देता है और क्लोजिंग दे देता है तो आप समझ के चलिए JSW स्टील एक बड़ी रनर अप के लिए चालू हो रहा है, तो खरीदारी करने की राय होगी, CMP बाय करके चलना है। आपको टारगेट रखने हैं दोस्तों यहाँ पे कल के, वो होंगे करीबन 745 रुपीज़ तक के, स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे वो करके चलना है करीबन यहाँ से आपको 10 रुपये नीचे 720 रुपये का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।